तो यहाँ पे भी गियर बॉक्स है, खुला खुला हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंजन इंजन से पावर आ रही है, जो इंजन की जो आउटपुट शाफ्ट है, और ये गियर बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, पावर गियर बॉक्स में आ रही है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो ये वाली शाफ्ट है, इसको मेन शाफ्ट बोलते हैं, जो ये वाली शाफ्ट है इस पर काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। दोनों पे गियर लगे हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारी मेन शाफ्ट आ रही है उसमें जो गियर लगे हैं वो फ्रीली रोटेट करते हैं, वो गियर जो हमारी शाफ्ट है मेन शाफ्ट उसके साथ वो परमानेंट अटैच नहीं है, वो उसके ऊपर फ्रीली रोटेट करते हैं। वो तभी उसके साथ अटैच होंगे जब हम गियर डालते हैं, और सिलेक्टर से गियर जो है वो जो हमारा सिंक्रोनाइजर है उसको गियर के साथ मैश करता है। कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। और जो हमारा काउंटर शाफ्ट है उस पर गियर जो है हमारे फिक्स रहते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको न्यूट्रल में डाल रहा हूँ सबसे पहले। तो अभी ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब आपको बता दूं कि ये जो है इसको हम स्लीप बोलते हैं, ये फॉर्क है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर कौन से हैं? ये फर्स्ट गियर है, देखो ये बड़े वाला, और ये जो हमारा काउंटर शाफ्ट है उसके छोटे गियर के साथ अटैच है। सेकंड गियर हमारा ये वाला है, थोड़ा छोटा, और काउंटर शिफ्ट का फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थर्ड गियर हमारा और छोटा, और काउंटर शाफ्ट का फिर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही रेशो बनती है इसकी। फोर्थ गियर ये हमारा है और काउंटर शाफ्ट का थोड़ा बड़ा। तो ठीक है, अब जब हमारा फर्स्ट गियर जब हम लगाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये सिंक्रोनाइजर है गोल्डन कलर में। ये सिंक्रोनाइजर सिलेक्टर के थ्रू, सिलेक्टर स्लीव को रोटेट करता है, लेफ्ट राइट मूव करता है, जिसकी वजह से ये सिंक्रोनाइजर मूव होते हैं। और सिंक्रोनाइजर जब मूव होगा तो ये इस गियर के साथ, जब हम फर्स्ट गियर लगाएंगे तो उसके साथ मैशअप हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फर्स्ट गियर रोटेशन में आ जाएगा। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि फर्स्ट गियर जो है वो लग चुका है, और सिंक्रोनाइजर जो है वो इस गियर के साथ मैशअप हो गई है, जिसकी वजह से पावर जो बनेगी यहाँ से आएगी, यहाँ से काउंटर शाफ्ट में जाएगी, काउंटर शाफ्ट से यहाँ होते हुए इस गियर में आकर इस गियर से फिर ये रेशो बनेगी, और इस रेशो से फिर ये फाइनल ड्राइव में रियर व्हील में चली जाएगी। सेकेंड गियर जब हम लगाएंगे तो ये सिंक्रोनाइजर जो है ये इस गियर के साथ मैश, सेकेंड गियर के साथ मैश हो जाएगी। देखिए कैसे। तो अभी आपने देखा कि इधर वाली सिंक्रोनाइजर इस गियर के साथ मैशअप हो गई। अब जो फाइनल, अब जो ड्राइव आएगी सेकंड गियर में, इंजन से पावर ड्राइव यहाँ से आ रही है, यहाँ से फिर ये होती हुई यहाँ आ जाएगी, यहाँ से होती हुई ये सेकंड गियर के साथ मैशअप हो जाएगी, और यहाँ पे जो रेशो बनेगी वो फिर हमारी फाइनल ड्राइव में पीछे की तरफ रियर व्हील में जाएगी। अब थर्ड गियर लगाता हूँ मैं। थर्ड गियर में आप देखोगे कि ये सिंक्रोनाइजर इस गियर के साथ मैशअप हो जाएगा। तो ये थर्ड गियर है। अब थर्ड गियर में आप देखोगे कि अब फाइनल ड्राइव यहाँ से बनेगी, यहाँ से शाफ्ट, यहाँ से पावर आई, यहाँ गई, यहाँ से इस गियर में आकर यहाँ से होती है, यहाँ अब यहाँ पे थर्ड गियर की जो रेशो है यहाँ बन रही है, और यहाँ से फिर फाइनल ड्राइव में चली जाएगी, रियर व्हील में चली जाएगी। अब फोर्थ गियर की ये सिंक्रोनाइजर इसके साथ मैच हो जाएगी। लेट्स सी, सिंपल मैकेनिज्म है समझने का, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अब फाइनल ड्राइव जो है वो यहाँ से होती हुई यहाँ बन रही है फोर्थ गियर में, और यहाँ से फिर डायरेक्ट सीधी चली जाएगी। तो ये फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर इसके अंदर है जो मैं खोल नहीं पाया, पर फिफ्थ गियर भी सेम मैकेनिज्म है, पर वो पीछे की तरफ दिया जाता है, और उसके साथ जो हमारा रिवर्स गियर है, रिवर्स गियर भी, रिवर्स गियर में छोटा सा मैकेनिज्म होता है, मैं आपको पिक्चर डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। और मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ये गियर है दोनों, मान लो ये फिफ्थ गियर है लेट सपोज, तो इसके बीच में एक छोटा सा गियर लगा दिया जाता है जिसको हम आइडल गियर बोलते हैं। तो मान लो इस तरह का गियर है, तो इसको बीच में, दोनों के बीच में लगा देते हैं। होता क्या है, जैसे फर्स्ट गियर लगता है तो फर्स्ट गियर में ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मेन शाफ्ट का क्लॉकवाइज और काउंटर शाफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज। बट जब रिवर्स गियर जब लगाते हैं तो उसके बीच में एक छोटा गियर और लगा देते हैं, तो रेशो क्या बनती है, फर्स्ट गियर क्लॉकवाइज, जो हमारा आइडल गियर है एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारा काउंटर शाफ्ट का जो गियर है वो दोबारा से क्लॉकवाइज। तो इस वजह से हमारा जो शाफ्ट की जो रोटेशन है, जो मेन शाफ्ट से जो ड्राइव जा रही है, वो उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो ये तो थे हमारे जो हमारा गियर मैकेनिज्म है, कि गियर मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू सो मच।